फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम आपको हरदीप सिंह पुरी के द्वारा किए गए लेटेस्ट ट्वीट के बारे में बताने वाले हैं और साथ ही साथ आज के इस वीडियो में आपके लिए एक बहुत ही जरूरी जानकारी भी रहने वाली है। तो फ्रेंड्स, वीडियो आप पूरा ध्यान से देखें। फ्रेंड्स, आपको यहाँ पर सबसे पहले बता दें कि हरदीप सिंह पुरी ने क्या ट्वीट किया है। फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये हरदीप सिंह पुरी ने लेटेस्ट ट्वीट किया है नए एयर बबल्स को लेकर, जहाँ पर उन्होंने ये जानकारी दी है कि भारत ने बांग्लादेश के साथ एयर बबल्स एग्रीमेंट की शुरुआत कर दी है। लेकिन फ्रेंड्स, यहाँ पर हम आपको बताना चाहेंगे कि इस एयर बबल्स एग्रीमेंट की जानकारी हमने आपको एक हफ्ते पहले ही दे दी थी और इसकी पूरी डिटेल जानकारी भी मीडिया और बाकी सभी जगहों पर आ चुकी है। लेकिन हमारे देश के एविएशन मिनिस्टर इतने बिजी रहते हैं कि उसकी जानकारी आप ये बता रहे हैं अपने ट्विटर हैंडल अकाउंट से। आप यहाँ पर ये बात जरूर सोच रहे होंगे कि हरदीप सिंह पुरी ने इतना लेट ट्वीट क्यों किया है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम आपको बता दें कि भारत सरकार ने हरदीप सिंह पुरी को कई मंत्रालय दिए हुए हैं, जिसमें केवल एविएशन मंत्रालय ही नहीं, उनके पास और भी दूसरे मंत्रालय हैं। इस कारण से हरदीप सिंह पुरी काफ़ी ज़्यादा बिजी रहते हैं, लेकिन इन सब का नुकसान आम जनता को उठाना पड़ रहा है, जो उनसे इस बात की उम्मीद लगाकर बैठे हैं कि वे उड़ानों को लेकर आम जनता की सेवा करेंगे और उनके लिए उड़ानों को जल्दी से जल्दी चालू करवाने की कोशिश करेंगे। लेकिन फ्रेंड्स, यदि आप ध्यान से देखोगे तो हरदीप सिंह पुरी वंदे भारत मिशन के अलावा और कोई भी दूसरा बड़ा काम अभी तक नहीं किए हैं। अभी भी यदि आप उनको फॉलो कर रहे होंगे तो आप भी देख रहे होंगे कि रोजाना बेसिस पर हरदीप सिंह पुरी केवल और केवल वंदे भारत मिशन को लेकर ही ट्वीट करते रहते हैं कि वंदे भारत मिशन से इतनी उड़ानों को ऑपरेट किया जा चुका है और इतने सारे लोगों को देश में लाया जा चुका है। लेकिन यहाँ पर हरदीप सिंह पुरी इस बात की जानकारी नहीं देते हैं कि भारत में कितने ज़्यादा लोग फंसे हुए हैं जो कि दूसरे देशों में जाना चाहते हैं। यहाँ पर हरदीप सिंह पुरी को लाखों लोग रोजाना बेसिस पर ट्वीट करते रहते हैं। हम भी हरदीप सिंह पुरी को ट्वीट करते हैं, लेकिन फ्रेंड्स, उनका जवाब नहीं आता कि सऊदी के लिए या फिर दूसरे देशों के लिए अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें कब शुरू हो रही हैं। हरदीप सिंह पुरी ने अभी तक केवल एयर बबल्स के माध्यम से 18 देशों में उड़ानों को चालू किया हुआ है। अभी भी बहुत सारे देश ऐसे हैं जहां से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें चालू नहीं हो पाई हैं। और बात करिए यदि सऊदी की, तो सऊदी में लाखों लोग काम करने के लिए जाते हैं और अभी तक भारत सरकार सऊदी से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को चालू करवाने में सफल नहीं हो पाई है। और यहाँ पर हमें ये भी नहीं पता है कि भारत सरकार सऊदी से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को चालू करवाने की कोशिश कर भी रही है या फिर नहीं, क्योंकि अभी तक सऊदी को लेकर भारत सरकार का कोई भी जवाब नहीं आया है कि भारत सरकार बातचीत कर रही है या फिर बातचीत करने वाली है और सऊदी सरकार उड़ानों को चालू करने को लेकर क्या बोल रही है। इन सभी बातों का कोई भी जवाब नहीं आ रहा है। यहाँ पर हमारे अलावा लाखों लोग ऐसे हैं जो रोजाना बेसिस पर हरदीप सिंह पुरी, भारत सरकार और दूसरे मीडिया चैनल को ट्वीट कर रहे हैं, लेकिन इनमें से किसी का भी कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आता। हमारे देश की मीडिया भी इस समय उड़ानों को लेकर कोई भी रिपोर्टिंग नहीं कर रही है। लेकिन फ्रेंड्स, हम अपने इस छोटे से यूट्यूब चैनल के सहारे आप लोगों की समस्याएं सभी लोगों को बता रहे हैं, लेकिन इसके लिए हमें आप लोगों का भी सपोर्ट चाहिए। यहाँ पर आप हमें ट्विटर पर जरूर फॉलो करें और साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को चालू कराने के लिए रेगुलर बेसिस पर ट्वीट करते रहें। पिछले 2 से 3 दिन में हम लोगों ने काफ़ी ज़्यादा ट्वीट किया है, जहाँ पर हम लोग रोजाना रात के 10 बजे भारतीय समय के अनुसार आकर आप सभी लोगों के साथ मिलकर ट्वीट करते हैं। फ्रेंड्स, इसको रोकना नहीं है, आज भी और आगे भी इसको ऐसे ही जारी रखना है। हम सभी लोगों को मिलकर भारत सरकार से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को चालू कराने के लिए पूरा रिक्वेस्ट करना है कि वह उड़ानों को जल्दी से जल्दी चालू करें। हमें उम्मीद है कि आप हमारा साथ जरूर देंगे।